गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज हम EVS का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है 7th चैप्टर, वी नीड शेल्टर्स। मतलब हमें घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। शेल्टर मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, जैसे चिड़िया बर्ड्स जो हैं उनके शेल्टर्स क्या होते हैं, उनके नेस्ट। वैसे हमारे शेल्टर्स क्या होते हैं, हमारे हाउस। ओके, स्टार्ट करते हैं। वी नीड अ हाउस टू लिव इन। हमें हाउस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, रहने के लिए। अ हाउस वेयर वी लीव इज़ अवर होम। जिस जहाँ पे हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, होम। अवर होम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी थिंग्स एंड डेंजर। मतलब कभी भी कोई ख़तरे से, जैसे कि बाढ़ आ गई, जो है ना स्टॉर्म आ जाता है, टॉर्नेडोज आ जाते हैं, वो सभी से हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है। हीट, कोल्ड, रेनी सीजन, सभी से, विंटर सीजन, सभी से हमें प्रोटेक्ट करता है। वी आर सेफ एंड सिक्योर इन आवर होम। हम अपने घर में सुरक्षित रहते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम विच आवर हाउस प्रोटेक्ट अस। कम्प्लीट द वर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लूज। यहाँ पे आपको कुछ क्लूज दिए हुए हैं, इनको आपको फिल करना है कि हमारा घर हमें किन से प्रोटेक्ट करता है। फर्स्ट, रेन से। बारिश होती है तो हमारा घर हमें बारिश से, पानी से प्रोटेक्ट करता है। विंटर मतलब सर्दियों में हमारा घर हमें ठंड से प्रोटेक्ट करता है। स्टॉर्म मतलब जब भी तूफान आता है तो हमारा घर हमें तूफान से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है, अर्ली ह्यूमन डिड नॉट हैव एनी होम। मतलब पहले के जो लोग थे, पुराने लोग थे, उनके पास अच्छे पक्के मकान नहीं थे, जैसे आज के टाइम पे हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। दे यूज टू लिव इन केव्स एंड ऑन ट्रीज। वो लोग पहले पेड़ों में और गुफा में रहते थे। केव्स मीन गुफा। ओके, लेटर दे स्टार्टेड टू बिल्ड द हाउस विद द हेल्प ऑफ वुड, स्ट्रॉज, स्टोन, मड एक्सेट्रा। बाद में उन्होंने धीरे धीरे, जब उनका दिमाग विकसित होने लगा, जब उनका दिमाग डेवलप होने लगा, तो उन्होंने घर बनाना स्टार्ट कर दिया। वरना वो पहले गुफा में और पेड़ों पे रहते थे। उन्होंने लकड़ियों के घर बनाने चालू कर दिया, पत्थरों के घर, मिट्टी से घर बनाना चालू कर दिया और एक्सेट्रा। टुडे ह्यूमंस लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस। आज के टाइम पे लोग बहुत सारे अलग अलग हाउसेज में रहते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेज मतलब कौन कौन से हाउसेज होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ हाउसेज। देयर आर दो तरह के लोग हाउस होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस दो तरीके के हाउस होते हैं। कच्चा हाउस जो होता है, अ कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ अनबर्न्ड ब्रिक्स, बैम्बूस, मड टैचेस एक्सेट्रा। मतलब कच्चा हाउस जो होता है वो उन चीज़ों से बनता है जो जिन्हें नहीं पकाया जाता, जिन्हें नहीं जलाया जाता। जैसे ब्रिक्स मतलब ईंटें जो होते हैं, और बैम्बूस जो लकड़ियाँ होती हैं जिनको बिना जलाए उनसे घर बनाया जाता है। और कच्चा हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्प्ररी हाउस। कच्चे हाउस को टेम्प्ररी हाउस भी बोला जाता है। कच्चा हाउस आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। इन्हें कहाँ पे, गांव में ही देखा जा सकता है। अब पक्का हाउस, और पक्का हाउस क्या होता है। अ पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ बर्न ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट, आयरन, स्टील एक्सेट्रा। मतलब पक्का हाउस को किससे बनाया जाता है, ईंटों से, सीमेंट से, कंक्रीट, ओके, आयरन, स्टील, इन सभी से मिलके बनाया जाता है। अ पक्का हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड अ परमानेंट हाउस। उसे परमानेंट हाउस भी, जो हमेशा के लिए रहता है, उसे बोला जाता है। पक्का हाउस आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज़ एंड टाउन्स। मतलब पक्का हाउस हमें मोस्टली सिटीज़ में देखा जा सकता है। इन सिटीज़ सम पीपल्स लिव इन स्मॉल हाउस, बिग हाउस और बंगलोस एंड फ्लैट्स। कुछ लोग सिटी में बंगलो में रहते हैं जिनके बड़े बड़े घर होते हैं। ओके, कुछ लोगों के छोटे घर होते हैं, कुछ लोगों के बड़े घर होते हैं, कुछ लोग सभी के साथ मिलकर फ्लैट्स में रहते हैं। ओके, ये है स्मॉल हाउस, बिग हाउस, फ्लैट्स, जहाँ पे 30-40 फ्लोर्स होते हैं, एक एक फ्लोर में 2 BHK के घर होते हैं, उनको बोलते हैं फ्लैट्स। सम पीपल्स लिव एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ लोग बहुत लंबे समय के लिए एक प्लेस पे रहते हैं। दे बिल्ड परमानेंट हाउसेस फॉर देमसेल्फ। वो लोग अपने लिए परमानेंट हाउस बना लेते हैं। जैसे आप लोग रायपुर में परमानेंट रहते हो, इसलिए आप लोग का वहाँ पे पक्का हाउस है। सम पीपल कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर। कुछ लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रेवल करते हैं। दे लिव इन टेम्प्रेरी हाउस लाइक अ
कार्बन एंड टेंट, कार्बन और अ टेंट मतलब कुछ लोग जो परमानेंट नहीं होते, जिनको दूसरी जगह में ट्रैवल करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह में, वो लोग टेंट वगैरह में रहते हैं। देयर आर सम काइंड्स ऑफ हाउसेज विच आर नॉट सो कॉमन, कुछ हाउसेज ऐसे हैं जो कॉमनली नहीं देखे जाते। लेट अस रीड अबाउट देम, चलो उनके बारे में पढ़ते हैं। कार्वन, कार्वन क्या होता है? कार्वन जो होता है, अ कार्वन इज़ अ हाउस विच मूव ऑन अ व्हील, मतलब एक व्हील होती है उसके ऊपर घर बनाया जाता है, उसे कार्वन बोलते हैं। जैसे बुलक कार्ड होती है उसी तरह हम बुलक से चलाते हैं, लेकिन उनके पीछे जो रहती है कार्ट रहती है उसमें घर बनाया जाता है, उसे कार्वन बोला जाता है। मेनली जिप्सीज एंड बंजारास लिव इन कार्वन, जो लोग जिप्सी होते हैं और बंजारा जो होते हैं वो लोग कार्वन्स में रहते हैं। नेक्स्ट है टेंट हाउस। अ टेंट इज़ अ हाउस विच इज़ मोस्टली यूज बाय द सोल्जर्स एंड कैंपर्स। अ टेंट इज मेड अप ऑफ क्लॉथ और प्लास्टिक, इट कैन बी फोल्डेड एंड पैक्ड इजिली। मान लो आप लोग हाइकिंग के लिए जा रहे हो, क्लाइंब के लिए जा रहे हो, माउंटेन्स में क्लाइंब वगैरह करने के लिए जा रहे हो, तो आप लोग क्या करते हो, अपने साथ में एक छोटा सा टेंट ले जाते हो जहाँ पे आप लोग रात के लिए सेफ रहो, है ना, एनिमल्स से सेफ रहो, उसको बोलते हैं टेंट। जब भी आप हाइकिंग वगैरह के लिए माउंटेन पे जाते हो, पिकनिक्स वगैरह के लिए, तो उसको बोलते हैं, जहाँ पे आप लोग रहते हो उसको बोलते हैं टेंट। नेक्स्ट है इग्लू। एंड इग्लू इज़ अ टाइप ऑफ हाउस विच इज़ बिल्ट बाय ब्लॉक्स और स्नो, ब्लॉक्स ऑफ स्नो मतलब इग्लू को जो बर्फ होती है, आइस जो होती है, उनसे उनकी ब्रिक्स बना के, उनके ब्लॉक्स बना करके उससे बनाया जाता है। इट इज़ डोम शेप स्ट्रक्चर, उसका शेप होता है डोम जैसा, मतलब हाफ सर्कल होता है। पीपल्स हु लिव इन इग्लू कॉल स्कीमोस, जो लोग इग्लू में रहते हैं उनको स्कीमोस बोले जाते हैं। मोस्टली ये ठंडी जगह में, जैसे अपने अपने इंडिया में जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, ऐसी जगह में इनको बनाया जाता है। वी शुड कीप अवर हाउस क्लीन, वी शुड स्वीप एंड मॉप द फ्लोर डेली, हमें अपने घर की साफ़ सफाई हमेशा करनी चाहिए और मॉपिंग भी करनी चाहिए, मतलब पोछा भी लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।